मेलबोर्न में खेले गए भारत और पाकिस्तान के मैच में भारत की ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई, लेकिन इस मैच में एक नया विवाद बनकर तैयार हो गया है। क्या है यह विवाद, जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, जिससे आपको क्रिकेट से जुड़ी हर एक मनोरंजन खबरें देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों, मेलबोर्न में भारत ने शानदार जीत दर्ज की और इस मैच में बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज की गेंद पर विराट कोहली ने शानदार छक्का लगाया था। इस गेंद को एम्पायर ने नो बॉल दे दिया था, क्योंकि एम्पायर का मानना था कि यह गेंद विराट कोहली की कमर के ऊपर से गई है। गेंद स्टंप पर जा लगी और इस पर कोहली ने 3 रन बना लिए। इसी नो बॉल को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी बवाल मच गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान के खिलाड़ी इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं, जिसमें पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी शामिल है। शोएब अख्तर का कहना है कि इस गेंद को विराट कोहली के कमर के नीचे थी, इसलिए यह नो बॉल नहीं होनी चाहिए थी। भारत को इस मैच के आखिरी ओवर में 16 रन की ज़रूरत थी। इसमें विराट कोहली ने ओवर की 3री गेंद पर 2 रन बनाए, जिसके बाद 3 गेंद पर 13 रन चाहिए थे। नवाज ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथ में फिसल गई और यह गेंद कोहली ने फुलटॉस बनाकर छक्का लगाकर खेली, जिसके बाद विराट कोहली ने इस गेंद को एम्पायर से नो बॉल के लिए अपील की। एम्पायर ने ध्यान से देखते हुए इस बॉल को नो बॉल दे दिया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इसका काफ़ी विरोध भी किया, लेकिन उनकी एक भी नहीं चली, जिसके बाद इस मैच का पासा ही पलट गया और भारत ने यह मैच 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, इस मैच में डाली गई नो बॉल के बारे में आपकी क्या राय है, क्या यह नो बॉल थी या नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे विराट कोहली के शानदार बैटिंग के लिए 1 लाख तो बनता है। मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।